Hello guys, welcome to Synopsis Solution Python Master Class. So, इस क्लास में हम जो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को जो है हम डिस्कस करेंगे, जो पाइथन के अंदर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स जो है जो इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं या आउटपुट जो आपको देने के लिए यूज होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को जो है मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो गाइज, आपने दो स्टेटमेंट देखा होगा, मैंने शायद पहले भी कभी यूज़ करा होगा। ये दो स्टेटमेंट बेसिकली मेथड है हमारा, एक तो है इनपुट और दूसरा मेथड जो है हमारा प्रिंट करके। तो देखिए, इनपुट मेथड का मेजर काम क्या है, ये इनपुट लेता है यूज्ड फॉर, ये जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, यूज फॉर टेकिंग इनपुट, ठीक है। और आउटपुट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये जो ये यूज होता है यूज्ड फॉर गिविंग आउटपुट, ठीक है। ये जो है नाम से ही पता लग जा रहा है कि इनपुट का काम है इनपुट लेना और आउटपुट का काम है आउटपुट देना। तो चलिए, ये तो बस बेसिक चीज़ हुआ। अब चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं, हम इनपुट मेथड को एनालाइज करेंगे, फिर मैं प्रिंट मेथड के बारे में और अच्छे से बताऊँगा। प्रिंट मेथड के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, किस किस फॉर्म में ये जो है आउटपुट देता है, सब एक एक करके हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कुछ, कि अगर आपको मेरे वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रहा है तो गाइज उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एनी टाइम। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे वो है हमारा इनपुट, ठीक है। देखिए, पाइथन 3 में अभी क्या हुआ कि पाइथन 2 में हमारे पास इनपुट के लिए दो मेथड थे, एक था रॉ इनपुट करके आता था मेथड, एक था इनपुट मेथड। बट अभी पाइथन 3 के अंदर क्या है, हमारे पास एक ही मेथड है जो कि है इनपुट मेथड। तो एक ही मेथड है जो इनपुट लेने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे देखिए, इनपुट मेथड क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। यूजर्स के इनपुट को जो है उसको बेसिकली यूजर से इंटरेक्ट करता है और उनके इनपुट को लेता है उनसे, और उसको फिर हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, किस फॉर्म में ये इनपुट लेता है। तो ये जिस फॉर्म में इनपुट लेता है, यहाँ पे किसी भी, अगर आपको इंट भी वैल्यू भी अगर आप उधर से इनपुट देते हैं तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में जो है इनपुट लेता है। उसका जो है डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग होता है। आप चाहे नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका डेटा टाइप जो है ये हमेशा स्ट्रिंग ही होता है। तो चलिए, अब बिना कहे हुए अब जो है हम प्रैक्टिस करके यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल रन कराता हूँ ताकि आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो है और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सपोज करिए कोई एक नंबर लेता हूँ मैं, और इसको लेने से पहले एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज करिए आपको कुछ यूज़र से ऐसे पूछना है, आपको सपोज करिए आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, ऐसे आप कुछ कंसोल पे दिखाना चाह रहे हैं, व्हाट इज योर एज, आप यूजर से ऐसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो है आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं ऐसे। तो इनपुट मेथड देखिए दोस्तों, ये इनपुट तो लेता ही है, बट इसके अंदर जो है, इस मेथड के अंदर, इनपुट मेथड के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं, ये जो भी वैल्यू आप लिखते हैं, ये क्या करता है, ये डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आपको वो प्रिंट कराना था, अगर आपको सपोज करिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आपको ऐसे प्रिंट कराना है कोई ऐसे कुछ प्रिंट कराना है, व्हाट इज योर एज, अगर आपको कुछ ऐसे प्रिंट कराना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे ये स्ट्रिंग को, जो भी आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, और उसको प्रिंट करा के इनपुट लेना है, तो आप क्या करेंगे, इसको उस स्ट्रिंग को जो है इनपुट मेथड के अंदर पास कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, इनपुट मेथड जब ये एग्जीक्यूट करेगा, जब यूजर से इनपुट लेगा, तो यूजर से इनपुट लेते समय जो भी स्ट्रिंग आपने उसके अंदर लिखा हुआ है उसको जो है प्रिंट करेगा, फिर जो है यूजर से इनपुट लेगा। तो चलिए यहाँ पे अब एग्जांपल हम करते हैं। सपोज करिए नंबर मांगना चाह रहा हूँ, या मैं यूजर का एज जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, यूजर का जो है मैं एज जानना चाहूँगा। तो एज जानना चाहूँगा तो मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे कि इंटर योर एज ऐसे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रिंग जो है इनपुट मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा, इंटर योर एज, ऐसा आपने लिख लिया। अब वो क्या करेगा, जो भी यूज़र इनपुट देगा
वो क्या है, इस एज वेरिएबल में जो है जो भी इनपुट आएगा वो क्या है, हमारे इस एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब देखिए हमारे को क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि जो इनपुट मेथड जो होता है ये स्ट्रिंग फॉर्म में जो है इनपुट लेता है। तो जो भी अगर आप नंबर पास करोगे, एज क्या है, एज तो नंबर में होगा, चाहे 30, 40, 20 जो भी उसका एज होगा वो बंदा पास करेगा। तो यहाँ पे ये एज क्या होगा, एज के एज वेरिएबल के अंदर जो है वो एज स्टोर हो जाएगा, और वो जो स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप के फॉर्म में होगा। तो चलिए सबसे पहले डेटा टाइप चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको जो है इनपुट मेथड हमेशा जो है स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेता है। तो यहाँ पे मैं टाइप चेक करके भी आपको बता देता हूँ कि हमारा एज का जो है टाइप क्या है। चलिए यहाँ पे टाइप मेथड मैंने लगा दिया, ये क्या कर देगा, एज का टाइप दे देगा। तो चलिए यहाँ पे अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाइए आप, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, इंटर योर एज। चलिए मैं अपना एज इंटर कर देता हूँ 22, और इंटर हिट करता हूँ। देखिए जैसे ही इंटर हिट करा, ये 22 क्या हुआ, एज वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, तो देखिए मैंने बोला इनपुट मेथड ये क्या करता है, हमेशा स्ट्रिंग टाइप में इनपुट लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर पास करा था, बट यहाँ पे क्या है, इसका क्लास देखिए क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग, देख रहे हैं आप। यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली आप कोई यहाँ पे इंटर योर नेम कर लीजिए, नेम करेंगे तो भी ये स्ट्रिंग नेम तो ऐसे ही स्ट्रिंग है, तो हमें ये उसी फॉर्म में जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में ही। कंट्रोल शिफ्ट F10 करिए, यहाँ पे इंटर योर नेम में नेम डालिए आप अपना, नेम डाल लेता हूँ पीयूष, और यहाँ पे जैसे ही इंटर हिट करा, ये भी देखिए स्क्रीन। चलिए इंटर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, A+BJ के फॉर्म में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पुराना ट्यूटोरियल देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लिखेंगे, 10+20J के फॉर्म में लिखते हैं। इंटर हिट करा, देखिए इसका भी क्लास जो है स्ट्रिंग है। तो अब सपोज करिए गाइस, यहाँ पे एक कंडीशन मैं बनाता हूँ, यहाँ पे सपोज करिए आपको यूजर से दो इनपुट लेना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपको जो है यूजर से दो इनपुट लेना है, टू इनपुट, और वो इनपुट क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए, दोनों नंबर, और उनका सम फाइंड करना है, और उनका सम फाइंड करना है, फाइंड द सम। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो सिंपल तरीका है, सबसे क्या करिए कि यूजर से इनपुट लीजिए दो नंबर, और पहला पहला देखिए इनपुट वन लीजिए और उसको क्या करिए, कन्वर्ट कर लीजिए इंट में कन्वर्ट करिए, फिर इनपुट टू लीजिए और उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए इंट में। ठीक है, अब क्या करिए, इनपुट वन प्लस इनपुट टू को कर लीजिए, ये दोनों क्या हो गया, अब सम मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम जो है कोड करके देखते हैं, ऐसे बातों बातों में नहीं, अब हम कोड करके देखेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे पहला इनपुट लिया मैंने, एक वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर मैं इनपुट लूँगा, इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, और बोलूँगा इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, चलिए यूजर जो है पहला नंबर इंटर करेगा। ठीक है, फिर दूसरा लूँगा इन वेरिएबल जिसके अंदर मैं उसको बोलूँगा इंटर सेकेंड नंबर। अब यूजर ये देखिए दूसरा इनपुट ले रहा है। अब देखिए ये दो इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है, इसको जो है इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइप कास्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको टाइप कास्टिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो आप जो है मेरा टाइप कास्टिंग का वीडियो देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टाइप कास्ट कैसे करते हैं, अब यहाँ पर टाइप कास्ट करने के लिए आप कर लीजिए इंट ए, ये क्या करेगा, ए को जो है इंट में कन्वर्ट कर देगा, इंट बी, अब ये क्या करेगा, बी को भी इंट में कन्वर्ट कर देगा। अब फाइनली आपको क्या करना है, सम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सम का, देखिए आउटपुट लेने के लिए हमेशा जो हम प्रिंट मेथड का यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए द सम इच यहाँ पे, और आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे कर लीजिए ए प्लस बी, ये क्या दे देगा, आपका सम दे देगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे दिखा,
तो यहाँ पर रन करा मैंने, तो ये बोल रहा हमसे इंटर फर्स्ट नंबर। चलिए पहला नंबर मैं डाल देता हूँ 14, ठीक है। फिर मांगेगा इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मैं डालता हूँ 6। अब यहाँ पे इंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा क्या आ गया, सम इज 146। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ देखिए, जब ये देखिए ये ऐसे क्या क्यों ऐड हो गया है, ये मैं जानबूझ के मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा है ताकि आपको पता लगे। यहाँ पे देखिए अब ये क्या करना है, जब आपने टाइप कास्ट करा इसको यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा। तो बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे ही ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया। आपको भी लग रहा होगा कि ये इंट में कन्वर्ट हो गया होगा, देखिए ये इंट में कन्वर्ट होगा बट ये आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई वेरिएबल ले लीजिए जे, और यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लीजिए के, और इन दोनों के अंदर जो है इसको स्टोर करा लीजिए। अब देखिए जो है आपके जे के अंदर जो है ए जो है इंटीजर फॉर्म में आ गया है, और बी जो है इंटीजर फॉर्म में आ गया है के अंदर, और यहाँ पे अब क्या करना है आपको जे और के कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप रन करेंगे, यहाँ पे देखिए आउटपुट, यहाँ पे पहले 14 डालता हूँ मैं, फिर 6 डालूंगा, इंटर रीड करता हूँ, इस बार देखिए हमारा सम कितना है 20। लास्ट टाइम 146 कैसे आया, 146 आने के पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे जब आपने इंट ए लगाया तो यहाँ पे ये कन्वर्जन हुआ ही नहीं, ये कन्वर्जन हुआ ही नहीं। ये बेसिकली क्या करना है, आपको कन्वर्ट करके वैल्यू जो है स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में, या आप ऐसे कर लेते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे करने के अलावा, मतलब बहुत लोग ऐसा मेजर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आप इसके जगह पे अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसके जगह पे आप क्या करिए, इसको हटा लीजिए और यहीं पे डायरेक्ट जो आप कर लीजिए इंट ए। अब ये क्या कर रहा है, ए को इंट में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे फिर आप कर लीजिए इंट बी, और ये दोनों इंट फॉर्म में आ जाएगा और उसको ऐड कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे दोनों इंट फॉर्म में आ गया है, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा है हो रहा है, मैंने एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया सर। सही तो है, सही लगाया हुआ है मैंने, हाँ सही है, और एक ब्रैकेट और हो गया यहाँ पे लास्ट में। तो अब इसको रन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे ही रन करा यहाँ देखिए आउटपुट, यहाँ पे 5 एंड 5 पास करता हूँ, यहाँ पे देखिए आउटपुट मेरा 10 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कन्वर्जन करना है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं माइक्रोसॉफ्ट पाइथन सर्टिफिकेशन पे जो कोर्स लाने वाला हूँ गाइज, उसमें ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसे किसी भी टाइप कास्टिंग को ऐसे कर रहे हैं बिना किसी वेरिएबल में असाइन कराए हुए, तो वो बेकार है। अगर इस टाइप का अगर आपको टाइप कास्टिंग करना है तो आप डायरेक्ट वहाँ करिए जहाँ पे आपका यूज़ है। तो यहाँ पे हमारा यूज़ था इंट ए कर लिया मैंने, इंट बी कर लिया, यहाँ पे देखिए ऐड करने पे हमारा आउटपुट 10 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है यूजर से इनपुट लेते समय ही उसको इंट में कर लें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेते समय ही आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और उसको क्या कर लीजिए आप ऐसे कर लीजिए, पूरे इनपुट को जो है टाइप कास्ट कर लीजिए आप इंट में। यहाँ पे देखिए ये क्या करा, मैंने ये जो पूरा इनपुट है इसको जो है मैंने इंट में टाइप कास्ट करके और इसको ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। तो अब ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनपुट फॉर्म में होगी, अब बेसिकली इंट फॉर्म में होगी। वैसे ही यहाँ पे फिर से मैं पूरे के पूरे इनपुट को ही टाइप कास्ट कर लेता हूँ जो है इंट फॉर्म में। यहाँ पे बी का भी जो इनपुट होगा आप हमारा इंटीजर होगा। चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं इन दोनों का इनपुट टाइप क्या है। यहाँ पे टाइप ए ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ टाइप बी, जिससे आपको पता लग जाए कि इन दोनों का टाइप क्या है। तो गाइज ये ट्यूटोरियल मैं काफ़ी धीरे चला रहा हूँ ताकि जो जो लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर मैं इंटर करता हूँ 10, और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर मैं इंटर करता हूँ 20, और ये देखिए यहाँ पे टाइप क्या गया, इंट और इंट। यहाँ पे क्या हुआ, जब यूज़र ने इनपुट दिया तभी ये इनपुट जो है इंट में टाइप कास्ट हो गया। तो अब देखिए अब जब आपको सम निकालना होगा तो अब क्या करना है आपको, अब सीधे प्रिंट लिखना है और यहाँ पे सम का वैल्यू लिख लेना है, सम इज ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे कॉमा करके ए प्लस बी कर लीजिए, ये क्या दे देगा आपको, सम दे देगा। यहाँ पे रन करिए, यहाँ पे पहला नंबर आप डालिए 5, आपको डालना है, यहाँ पे मैंने 10 डाला, यहाँ पे देखिए आउटपुट मेरा कितना है 15।
तो गाइज आप देख सकते हैं कितना मैं शॉर्ट करते जा रहा हूँ उसको। पहले मैंने लंबा कोड लिखा था, अब देखिए मैं बेसिकली वहीं पे कन्वर्जन कर ले रहा हूँ। अब देखिए इससे भी सिंपलेस्ट, इससे भी शॉर्टेस्ट एक लाइन में मैं इनपुट लूंगा और वहीं से जो है आउटपुट भी दे दूंगा। चलिए ये आपको दिखाता हूँ मैं एकदम शॉर्टेस्ट तरीका। एक ही लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, वन लाइन ऑफ कोड लिखूंगा मैं, और वहीं से यूजर से इनपुट लूंगा और वहीं से आउटपुट दे दूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं। देखिए आपको भी बहुत अजीब टाइप का लिखा, बहुत अच्छा लगेगा बेसिकली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट। प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे सम आपको प्रिंट करना है। तो आप ऐसे लिखिए सम इज, ऐसे लिख लीजिए ठीक है, कॉमा। पहला क्या था आपका, पहला जो नंबर होना चाहिए वो पहला इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो आप यहीं पे इनपुट ले लीजिए ये इंट, और यहीं पे आप इनपुट ले लीजिए और ये क्या हो जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे लिख लीजिए इंटर, इंटर फर्स्ट फर्स्ट नंबर। ये क्या करेगा, पहला नंबर इंटर करवाएगा यूजर से। फिर आपको क्या करना है, प्लस कर लीजिए, फिर इसको इंट में कन्वर्ट कर लीजिए और इनपुट ले लीजिए यूजर से। और यहाँ पे इनपुट में आपको लिखना है इंटर सेकेंड नंबर। यहाँ पे आप लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे यूजर जो है सेकेंड नंबर इंटर करेगा और ये जो है आपको फाइनली जो सम मिल जाएगा। यहाँ पे कहीं ब्रैकेट मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद होगा मेरा इंट टाइप का जो कन्वर्जन का है। हाँ अब सही है। अब देखिए यहाँ पे इसको रन करता हूँ गाइस, कंट्रोल शिफ्ट F10 प्रेस करना है आपको। यहाँ पे रन करा, इंटर फर्स्ट नंबर 5 डाला, इंटर सेकंड नंबर 5 डाला, जैसे ही इंटर हिट करा यहाँ पे देखिए मेरा सम 10 आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट कर दिया मैंने, बेसिकली एक लाइन में इसको लिख दिया है। और यहाँ पे मेजर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इनपुट मेथड जो है आपका जो भी इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको कोई भी नंबर लेना है, अगर उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद से, ताकि जो है आप कोई भी ऑपरेशन उस परफॉर्म कर सके। तो गाइस चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक और एग्जांपल ताकि आपको और अच्छे से समझा दूँ कन्वर्जन वगैरह के बारे में। तो गाइस इस वीडियो के लिए बेसिकली आपको टाइप कास्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो टाइप कास्टिंग का आप जो है अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो YouTube पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो यहाँ पे चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये क्या करूँगा मैं कि मैं किसी भी एक एम्प्लॉई का, सपोज करिए एक एम्प्लॉई का, उससे इनपुट लूंगा डाटा का और उसको प्रिंट करूंगा, आउटपुट भी दूंगा ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं लूंगा यहाँ पे कि इनपुट में क्या लूंगा, इनपुट में मैं लूंगा एम्प्लॉई डाटा ठीक है, एम्प्लॉई का डाटा लूंगा, एम्प्लॉई डाटा। और आउटपुट क्या करना है मुझे, आउटपुट करना है उसी डाटा को, आउटपुट उसी डाटा को बट उनके प्रॉपर फॉर्मेट में, आउटपुट करना है उसी डाटा को बट जिस फॉर्मेट में, मतलब उसने इंटर करा है प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर डेटा टाइप लगा के जो है हमको इसको डेटा टाइप के फॉर्मेट में जो है आउटपुट देना। अब इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। सपोज करिए एम्प्लॉई डेटा, एम्प्लॉई अगर आप अपना नाम बेसिकली डाल रहा तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इनपुट तो ऐसे ही स्ट्रिंग में लेता है। सपोज करिए एम्प्लॉई अपना जो है एम्प्लॉई आईडी दे रहा है, एम्प्लॉई आईडी जो है उसका अगर इंट फॉर्म में है तो आपको जो है यहाँ पे आउटपुट क्या करना है, उसको इंट फॉर्म में देना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम यहाँ पे प्रोग्राम अपना खुद का और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं लूंगा एम्प्लॉई का एम्प्लॉई नंबर, और एम्प्लॉई नंबर क्या होगा आपका इंट फॉर्म में होगा, तो इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट, और यहाँ से उससे बोलना है इंटर योर एम्प्लॉई नंबर, इंटर योर एम्प्लॉई नंबर। ये क्या करेगा अपना एम्प्लॉई नंबर यहाँ पे वो इंटर करेगा। दूसरा क्या है, फिर आपसे आपको उससे पूछना है एम्प्लॉई नेम। एम्प्लॉई नेम देखिए वो स्ट्रिंग में ही होगा तो आपको जो है यहाँ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपका इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही लेता है। नेक्स्ट जो है ई सैलरी क्या है, ये एम्प्लॉई का सैलरी लेगा और सैलरी क्या होगा फ्लोट में होता है, तो इसके लिए मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ उसको फ्लोट में और यहाँ पे इनपुट का यूज कर लेता हूँ। देखिए जब मैं इनपुट ले रहा हूँ तभी मैं यहाँ पे टाइप कास्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करना होगा इंटर इंटर योर सैलरी, इंटर योर सैलरी। अभी ये क्या होगा ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट जो है ई एड्रेस ले लेता हूँ, एम्प्लॉई का एड्रेस ले लेता हूँ। तो एड्रेस गाइज ये तो पहले ही से स्ट्रिंग में होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा इंटर योर एड्रेस ठीक है, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉई अपना एड्रेस इंटर करेगा।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टेटस मैं मांगूंगा उसका, मैरिड का, मैरिड है या अनमैरिड है ये पूछूंगा मैं। तो ये मैरिड अनमैरिड, तो देखिए इसको ट्रू फॉल्स फॉर्म में लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको बुल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बुल डेटा टाइप में, तो ये बुलियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये जो इनपुट आएगा हमारा इसको जो है बुलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एम्प्लॉय एम्प्लॉय मैरिड, और उससे बोल देता हूँ कि भाई तुमको जो है इनपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, तो यहाँ ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में जो है उसको इनपुट देना, ताकि एम्प्लॉय को भी पता लग जाए कि ट्रू फॉल्स ही देना है, बूलियन फॉर्म में इनपुट देना है। तो ये क्या होगा, जब भी इनपुट देगा ये स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट इनपुट मेथड क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और बुलियन मेथड जो टाइप कास्ट हमने करा ये क्या करेगा, उसको बुलियन में कन्वर्ट करेगा। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कंफर्म इन्फॉर्मेशन, प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन। अब ये कंफर्म कैसे करेगा, हम क्या करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे एक एक करके, तब यहाँ पे प्रिंट करेंगे आउटपुट देंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अब देखिए क्या करूंगा, इसको रन करता हूँ गाइस, कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाता हूँ, और यहाँ पे एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर मैं डाल लेता हूँ, एम्प्लॉय नंबर डाल देता हूँ 1101 डाल लेता हूँ। यहाँ पे नेम करता हूँ पीयूष, इंटर हिट करा, सैलरी डाला 4,562,333.23 डाला। नेक्स्ट जो है एड्रेस पूछ रहा है मेरे से, तो एड्रेस मैं डाल देता हूँ XYZ कॉलोनी, इंटर हिट करा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैं डाल लेता हूँ ट्रू, ट्रू क्यों डालूँ, फॉल्स डाल लेता हूँ, फॉल्स, और इंटर हिट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन, देखिए ये सारा का सारा डेटा जो है प्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब बेसिकली इनपुट लेते समय ही टाइप कास्ट कर लिया था। तो ये था गाइज आपका इनपुट फंक्शन के बारे में, यहाँ जो है इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है पाइथन के अंदर वो मैंने बताया। नेक्स्ट देखिए ये तो इस मतलब बेसिकली एक एक इनपुट लेना हुआ बारी बारी करके, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ इनपुट लेना है, अगर आपको ढेर सारा सिमिलर काइंड ऑफ इनपुट, सिमिलर काइंड ऑफ इनपुट का मतलब क्या है कि अगर सिमिलर टाइप का इनपुट लेना है, गाइस कि यहाँ पे मैंने लिया था 2 नंबर को इनपुट लेना था और उसको इंट में कन्वर्ट करके जो है उसका जो है सम प्रिंट करना था। अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ इनपुट लेना है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज लेना है अगर एज इनपुट, और वो क्या होता है होना चाहिए सेम टाइप के होना चाहिए, बेसिकली सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल इनपुट बोल सकते हैं इन और सिंगल लाइन, एक लाइन में अगर मल्टीपल इनपुट लेना है तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है गाइस, कि अगर मल्टीपल इनपुट लेना है तो सबसे पहला कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इनपुट होना चाहिए इनपुट मस्ट बी ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप, सारे इनपुट जो होना चाहिए वो सिमिलर डेटा टाइप, मतलब सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के इनपुट के लिए क्या करते हैं, सपोज कर यहाँ पे ऊपर में मैं 2 नंबर ले रहा था इनपुट 1 इनपुट 2, यहाँ पे अब 2 नंबर मुझे लेना है और दोनों क्या है इंट होने चाहिए, सपोज करिए इंट फ्लोट अगर सिमिलर काइंड के बस होने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक लिस्ट टाइप का जनरेट करेंगे, ऐसे कुछ लिस्ट जो हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, इंट एक्स या जो भी, यहाँ पे जो भी जिस फॉर्म में आप चाहते हैं डेटा, फ्लोट चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखिए फ्लोट एक्स, यहाँ पे फ्लोट एक्स लिखिए, अगर बुलियन चाहते हैं तो बुलियन एक्स लिखिए, फॉर एक्स यहाँ पे लिखना है फॉर एक्स इन इनपुट, ठीक है गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर एक्स इन इनपुट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर ये लिखा मैंने, डॉट आपको लिखना है स्प्लिट। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ ये बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है इंट एक्स फॉर एक्स इन इनपुट, मतलब ये क्या कर रहा है कि एक्स इन इनपुट फॉर एक्स इन इनपुट, मतलब इनपुट में जितने एक्स हैं मतलब जितना नंबर है उसको क्या करो इंट एक्स कर दो, इतना इस लाइन का तो यही मतलब है, यहाँ तक के लाइन का ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इंट ब्रैकेट में एक्स, मतलब इंट बेसिकली एक्स को क्या करना है तुमको इंट टाइप में कन्वर्ट कर देना है, फॉर एक्स इन इनपुट, एक्स इन इनपुट फॉर एक्स इन इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट में अगर इनपुट में जितने एक्स है मतलब जितना भी इनपुट है उसको सबको जो है आपको एक्स में कन्वर्ट कर देना है,
ठीक है। और डॉट स्प्लिट क्या बताता है गाइस, ये बताता है कि आपका जो है अभी ये डॉट स्प्लिट के अंदर ये जो ब्रेसेस हैं इनके अंदर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो दो नंबर आप इंटर करेंगे वो दोनों स्पेस से सेपरेटेड होने चाहिए। सपोज करिए पहला नंबर आपने डाला 9, तो दूसरा नंबर जो आप डालेंगे, जो भी मैं सपोज करिए मैं 6 डाल रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। आपको एक स्पेस दे के इंटर करना है। आप चाहें तो जो है कॉमा दे के इंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको एक कॉमा पास करना है, फिर आप जो है स्पेस की जगह पे कॉमा दे के नंबर जो है पास कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूँगा, एक ही साथ जो है दो नंबर लूंगा, ए और बी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने बोला इंट एक्स फॉर एक्स इन इनपुट, यहाँ पे इंटर टू नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट को मैं दिखाता हूँ ढेर सारे तरीके से। फिर अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट प्रिंट ए प्लस बी करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये जो ए और बी मेरा जो है इंटीजर फॉर्म में हो गया। कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ, यहाँ पे इंटर टू नंबर्स बोल रहा है। दो नंबर दूंगा गैपिंग के साथ, एक एक स्पेस के बाद 5 स्पेस 5, और इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 10, यहाँ पे सम 10 आ गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था स्प्लिट में आप जो है कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है आप जो भी यूज करना चाहते हैं दो नंबर के बीच में, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, कॉमा लिख दीजिए, तो आप जो है कॉमा सेपरेट करके वैल्यू जो है इनपुट कर सकते हैं। इंटर यहाँ पे करिए, वापस से रन करता हूँ मैं। अब लिखता हूँ 5, 5, इंटर करा, देखिए इस बार भी आउटपुट 10 आ गया। आप जो है यहाँ कॉलन डाल सकते हैं, कॉलन डाल लीजिए, फिर से वापस से रन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अब मैं डालूंगा 5:5, 5:5, इंटर करा, देखिए यहाँ पे नंबर जो है हमारा आउटपुट 10 आ गया। तो ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे जो है स्प्लिट फंक्शन जो है, अगर ये ब्लैंक है, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्लैंक है गाइस, तो आपका जो है स्पेस जो है सेपरेटर का काम करता है। अगर ये ब्लैंक है, यहाँ पे देखिए रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो है दो नंबर अगर पास करना है, तो इन दोनों के बीच में आप जो है कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए, तो वो सेपरेटर का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए स्पेस छोड़ा मैंने ब्लैंक, तो वो सेपरेटर का काम कर रहा है। तो सिमिलरली गाइस, आप यहाँ पे फ्लोट नंबर भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट ये क्या कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। पहला नंबर ले लेता हूँ मैं 12.23, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ, चलिए इसको भी 12.23 ले लेता हूँ, और यहाँ पे इंटर हिट करा, यहाँ पे देखिए 24.46, ये जो है हमारा सम यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही आप तीन नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पे तीन नंबर ले लिए, सी ले लिए, और यहाँ पे देखिए जितना यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे उतना बार उतना नंबर आप पास कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके लिए आप जो है स्प्लिट फंक्शन जैसे आपने लिखा है उस हिसाब से आपको वैल्यू पास करना पड़ेगा। अगर स्प्लिट फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप स्पेस दे के पास करिए। अगर आपने कॉमा डाल रखा है, तो आप कॉमा डाल के पास करिए। और यहाँ पे जो भी इनपुट स्टेटमेंट के अंदर आप लिखते हैं गाइस, वो आपको प्रिंट होता है इनपुट लेने समय। तो यहाँ पे चलिए रन करते हैं, इसको रन करें। यहाँ पे देखिए बोल रहा है इंटर 3 नंबर, ठीक है, फ्लोट नंबर पास करता हूँ 12.23, और फिर दूसरा नंबर पास करता हूँ 12.23, तीसरा नंबर 45.63, इंटर हिट करा। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बस मैंने ए प्लस बी का सम लिखा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा 24.46 आ रहा है। इसको सी भी कर लेते हैं, सी को भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, फिर जो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटर दबा दिया, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। फिर कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाना है आपको, यहाँ पे दो नंबर डालना है, 12.23 डाला, 12.23, फिर 45.63, इंटर करा। यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट जो है यहाँ पे मिल गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है गाइज, यहाँ पे जो है आप जो है एक लाइन का कोड लिख के जो है आप इनपुट ले सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका इनपुट जो है सिमिलर काइंड का होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है कंडीशन में लिखा था कि मस्ट बी ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जो आपका इनपुट होना चाहिए सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए, तभी ये लगेगा, तभी जो है आप इंट एक्स लगा पाएंगे सारे इनपुट पे। अगर सिमिलर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा इनपुट लेने में ऐसे। तो ये था बेसिकली इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे इवल फंक्शन का।
बेसिकली इवल फंक्शन का काम क्या है दोस्तों, कि आप जिस फॉर्म में जो है इनपुट देते हैं वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, और जो भी आप जो है इक्वेशन वगैरह अगर पास करते हैं तो वो ऑटो डिटेक्ट करके उनका टाइप वो खुद ही सॉल्व कर देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इवल फंक्शन के बारे में। तो गाइज अब हम बात करेंगे इवल फंक्शन के बारे में। तो इवल फंक्शन क्या करता है, ये जो है स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और इवेलुएट करके उसको जो है रिजल्ट आपको आउटपुट दे देता है। तो यहाँ इवल फंक्शन के अंदर इनपुट क्या होता है, इनपुट जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग, और जो आउटपुट होता है आउटपुट जो है उसको इवेलुएट कर लेता है, बेसिकली चेक कर लेता है किस टाइप के हैं और उसका जो है आउटपुट देता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इवेलुएटेड आउटपुट, स्ट्रिंग लेता है और इवेलुएट करके जो है आउटपुट देता है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल पर स्विच करते हैं यहाँ पर। तो इवैल फंक्शन का आप देखिए यूज कैसे करना है। सपोज करिए कोई एक वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया मैंने, और यहाँ पे यूज करा इवैल फंक्शन के अंदर जो है मैंने पास करा स्ट्रिंग, ठीक है। अब इवैल फंक्शन के अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और स्ट्रिंग के अंदर क्या है हमारे नंबर है। सपोज करिए कोई इक्वेशन लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया 12 + 12 - 12, ऐसे ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर पास करा। तो ये इक्वेशन अभी क्या है मेरा, ये अभी जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। अब इवेल फंक्शन क्या करेगा, इसको इंट में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करके जो है आउटपुट दे देगा हमको। चलिए इसको रन करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं ए का वैल्यू, देखते हैं इवेल फंक्शन क्या मैजिक करता है। इसको रन करा यहाँ पे, देखिए जैसे ही रन करा यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा 12 आ गया। ये देख रहे हैं ये क्या करा, स्ट्रिंग को इसने क्या करा इवेलुएट कर लिया, बेसिकली इसको चेंज कर लिया इंट में और सॉल्व करके जो है आउटपुट दे दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंग को चेंज कर लेते हैं थोड़ा और, इसमें कुछ चेंजेस ला लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए मैंने करा 10 + 2 * 3 / 4, अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करना है, ये देखिए आउटपुट आपका 11.5 आ गया। तो ये इवेल फंक्शन का बेसिकली यही काम है कि इनपुट जो है स्ट्रिंग में लेता है और जो है आउटपुट जो है इवेलुएटेड आउटपुट जो है अगर आप कोई भी नंबर फॉर्म इवेलुएट करके जो है ये आउटपुट देता है। तो यहाँ पे इवेल फंक्शन गाइज ये स्ट्रिंग बेसिकली लिस्ट ट्यूपल सेट एक्स इन सब चीज़ों को जो है बेसिकली इनके टाइप को जो है डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिटेक्ट करने को बोलते हैं इवेलुएट कर लेता है। तो इवेल फंक्शन क्या करता है, इवेल फंक्शन ये क्या करता है इवेलुएट बोल सकते हैं, इवेलुएट टू इनपुट लिस्ट ट्यूपल फिर से सेट हो गया एक्सेट्रा इन सबको जो है इवेलुएट कर लेता है। अब लिस्ट आप पास करोगे तो वो जो है उसके डेटा टाइप को बता देगा कि लिस्ट टाइप का है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ही देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे a = इवेल लगा रहा हूँ मैं, इवेल फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगा कि भाई इसमें एक लिस्ट इंटर कर, ठीक है। यहाँ पे बोलूँगा इंटर लिस्ट, उससे बोलूँगा कि लिस्ट एक इंटर कर, यहाँ पे लिस्ट इंटर करेगा और मैं उसका टाइप को चेक करूँगा, ठीक है, टाइप चेक कर लूँगा, देखते हैं। ऐसे तो इनपुट क्या करता है गाइज, इनपुट क्या करता है कि ये जो हमेशा हर चीज़ को जो है स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, बट यहाँ इवेल फॉर्म क्या करेगा उसको एनालाइज करेगा और उसके जो डिफाइंड फॉर्म है जिस जो भी यूज़र ने इनपुट डाला है उस फॉर्म में डायरेक्टली अपने आप ही चेंज कर लेगा। चलिए इसको रन करें, अब इसमें लिस्ट डालता हूँ एक, मैं लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा पहले 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ साइनोसिस और ये लिस्ट मेरा बंद कर देता हूँ। इंटर हिट करा, यहाँ पे देखिए टाइप देखिए यहाँ पे अपने आप लिस्ट आ गया। इवेल फंक्शन नहीं होता तो हमारा टाइप क्या होता, चलिए देखते हैं। इवेल फंक्शन नहीं लगाया मैंने तो यहाँ पे इवेल फंक्शन नहीं लगाया और देखिए यहाँ पे टाइप प्रिंट, एक सेकेंड मैं ये ब्रैकेट हटा लेता हूँ इसके चलते प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि पेस्ट कर लूँगा मैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे रन करा और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इंटर हिट करा, यहाँ पे देखिए क्लास स्ट्रिंग। तो ये इनपुट टाइप क्या करता है, हर चीज़ को जो है स्ट्रिंग में ले लेता है। और ये इवेल फंक्शन क्या है, ये इवेल फंक्शन बोल सकते हैं ये ऑटो स्मार्ट है, बेसिकली खुद ही डिटेक्ट कर लेता है किस टाइप का जो है अपने डेटा पास करा है। तो यहाँ पे आप ट्यूपल भी पास कर सकते हैं, इंटर ट्यूपल ऐसे कर लीजिए, इंटर ट्यूपल, ट्यूपल पास करेंगे वो फिर डिटेक्ट कर लेगा कि ट्यूपल पास करा है आपने। यहाँ पे चलिए ट्यूपल पास कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, एक स्ट्रिंग ले लीजिए, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं साइनोसिस और यहाँ पे ट्यूपल क्लोज कर लिया, इंटर हिट करा, यहाँ पे देखिए क्लास ट्यूपल। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मार्ट है ये जो है इवेल फंक्शन।
तो ये इसका काम बेसिकली यही है कि आप स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और उसको उसके डेटा टाइप को खुद ही इवेलुएट कर लेता है। अगर आप कोई नंबर इक्वेशन स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर आप डाल रहे हैं इवेल फंक्शन के अंदर, तो वो आउटपुट जो है आपको दे देगा उस फंक्शन उस बेसिकली स्ट्रिंग को सॉल्व करके। तो ये था बेसिकली इनपुट टाइप के बारे में। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारा आउटपुट, और आउटपुट के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो है हमारा प्रिंट फंक्शन। ठीक है, जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो आउटपुट डिस्प्ले करने के काम आता है।